तीन वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी चाचा को आजीवन कारावास। आज के समय में लोग घर में सुरक्षित नहीं हैं, इसका जीता जागता नमूना। एक घटना सामने आई है जहां तीन वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी चाचा को आजीवन कारावास होने का मामला सामने आया है। गोपालपुर का यह घटना, ये वो बच्ची जो थी शौच करने के लिए गई थी, जिसका उम्र मुश्किल से 3 वर्ष था, उसका जो अपना चचेरा जो था चाचा, उसी समय उसको जो है जबरदस्ती जो है बलात्कार किया। ये क्या उम्र रही है अभी चाचा की? वो जो एक्यूज का उम्र था 18 वर्ष। 18 वर्ष अपना चचेरा चाचा था जिसका कि उसका उसके बाद बलात्कार किया उसके साथ। उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में जो चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद 376 दिन यहाँ गवाही, टोटल जो है 8 गवाही हुआ। 8 गवाही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस केस का इसलिए है, जितना गवाही सूचिका जो उसकी माँ थी मीना देवी, वो मीना देवी भी और जो भी था सारा गवाह प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं किया, मतलब हम कह सकते हैं वो साइड हो गया। लेकिन 161-164 के बयान जो हुआ था, 64 का जो लड़की का भी बयान हुआ था, जो रो रो करके एकदम कही थी घटनास्थल पर कि ये जो हमारे साथ जो है जबरदस्ती बलात्कार किया यही चाचा है उसको, और ये सपोर्ट कर दिया था सबसे जबरदस्त है मेडिकल एविडेंस। मेडिकल वो रिपोर्ट में वो जो आया था कि हाँ इसके साथ जो है ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, इंटरकोर्स हुआ है। उधर से वकील जो है पूछा गया क्या ये ऐसा बात हो सकता है कि कोई नुकीला चीज के गिरने से इस ढंग का जख्म हो सकता है, वो जो डॉक्टर थी वो सीधा बोली कि नहीं, कोई भी जख्म इस ढंग का नहीं, सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही इस ढंग का होता है। कोर्ट जो इस आधार पर जो है 164 के बयान पर और ये जो मेडिकल एविडेंस के आधार पर जो सेक्सुअल हुआ उसी आधार पर जो है आज जो है कन्विक्शन हुआ, इसमें लाइफ इंप्रिजमेंट हुआ, इसमें 25,000 रुपया जो है वो जो है एक्यूज को जो है विक्टिम को देगा और 5,00,000 रुपया इसमें सरकार को दी गई है। सरकार की बड़ा जल्द फैसला आया, लेकिन हाँ अगर ये जल्द फैसला अगर या और अति नहीं रहता है, लॉकडाउन नहीं रहता है, इसका फैसला बहुत ही जल्द हो जाता है, माने 2-3 महीना में ही फैसला हो जाता है, या 9 महीना भी नहीं लगता, ये एकदम तुरंत हो जाता है फैसला। यही बात आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का हुआ अपने परिचय। हाँ हम कसम से लाइफ इंप्रिजमेंट तो आप जितना बात कर दे। अब आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जो है नरेश प्रसाद राम हुआ, आज इस 7th AD का जो है स्पेशल टीपी है। कोर्ट में जो है उनका क्या नाम था? महेश प्रसाद सिंह 7th AD, श्री महेश प्रसाद सिंह 7th AD। थैंक यू।